आसा महला पांच जिया प्राण धन हर को नाम इहा उहा उन संग काम बिन हर नाम अंबर सब थोरा त्रिपत अघावे हर दर्शन मन मोरा रहाऊ भगत भंडार गुरवाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल स्यू लागो मान सतगुर तुठे किन्नो दान नानक कौ गुर देखिया दिन है प्रभ अविनाशी घट घट चिन्ह है हरि का नाम ही मन तथा प्राणों हेतु सच्चा धन है लोक परलोक में यही धन जीव के काम आता है हरि के नाम बिना अन्य सब कुछ थोड़ा ही है क्योंकि मेरा मन हरि के दर्शन करने से तृप्त एवं संतुष्ट हो जाता है रहाऊ गुरुवाणी प्रभु भक्ति के रत्नों का भंडार है इसको गाने सुनने एवं उसके अनुरूप आचरण करने से मनुष्य निहाल हो जाता है मेरा मन तो हरि के चरण कमल से ही लगा हुआ है अपनी प्रसन्नता द्वारा सतगुरु ने मुझे यह दान दिया है नानक को गुरु ने यह दीक्षा दी है कि उस अविनाशी प्रभु को प्रत्येक हृदय में देख आशा महला पांच आनंद विनोद भरेपुर धारिया अपना कारज आप सवारिया पूर सामग्री पूरे ठाकुर की भरी पूर धार रही शोभ जाकी रहाऊ नाम निधान जाकी निर्मल सोई आपे करता अंबर ना कोई जिये जंत सबता के हाथ रब रहया प्रभ सब के साथ पूरा गुर पूरी वाणत बनाई नानक भक्त मिली बड़े आई संसार के समस्त कौतुक तमाशे सर्व व्यापक प्रभु ने रचे हुए हैं वह अपना कार्य स्वयं ही सवारता है पूर्ण ठाकुर की यह सृष्टि रूपी सामग्री भी पूर्ण है उसकी शोभा दुनिया में भरपूर होकर हर जगह फैली हुई है रहाऊ जिस परमात्मा की शोभा बड़ी निर्मल है उसका नाम जीवों के लिए खजाना है प्रभु स्वयं ही दुनिया का रचयिता है दूसरा कोई भी नहीं है सृष्टि के समस्त जीव जंतु उसके वश में है प्रभु सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीव जंतु के साथ है पूर्ण गुरु परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा है वह पूर्ण है हे नानक प्रभु भक्तों को ही प्रशंसा मिली है आसा महला पांच गुर के शब्द बनावह इह मन गुर का दर्शन संचय हर धन उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ ध्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीतम मोह लागे नाऊ रहाओ त्रिपत अघावन साचे नाऊ अड़सठ मंजन संत धुराई सब मह जानौ करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कौ गुर दीनो दान हे बंधु गुरु के शब्द में अपने मन को नेक बनाओ गुरु का दर्शन करो और हरि नाम रूपी धन संचित करो हे उत्तम बुद्धि तू मेरे मन में प्रवेश कर जिससे मैं गोविंद का गुणगान एवं ध्यान करूं और मुझे उसका नाम अत्यंत प्रिय लगे रहाऊ सत्य नाम द्वारा मैं तृप्त एवं संतुष्ट हो गया हूँ संतों की चरण धूलि मेरा 68 तीर्थों का स्नान है मैं एक ईश्वर को सब में व्यापक हुआ अनुभव करता हूँ साध संगति में मुझे विवेक बुद्धि मिली है अभिमान को छोड़कर मैं सबका सेवक हो गया हूँ नानक को गुरु ने सुमति का दान दिया है आशा महला पांच बुद्ध प्रकाश भय मत पूरी ताते बिन सी दुर्मत दूरी ऐसी गुरमत पाई ले
बूढ़त घोर अंध कूप महा निकसियो मेरे भाई रे रहाऊ महा आगह आगन का सागर गुर बोहित तारे रतनागर दुतर अंध विखम एह माया गुर पूरे परगट मार्ग दिखाया आप ताप कछ उकत न मोरी गुर नानक शरणागत तोरी गुरु की मति से मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो गया है इससे मेरी दुर्मति नाश हो गई है जो मुझे मेरे मालिक से दूर रखती थी हे मेरे भाई गुरु की मति से मुझे ऐसी सूझ प्राप्त हुई है कि मैं घोर अंधकूप रूपी संसार में से डूबता हुआ बच गया हूँ रहाऊ यह जगत तृष्णा रूपी अग्नि का बहुत गहरा अथाह सागर है पर रत्नागर गुरु रूपी जहाज मनुष्य को भव सागर से पार कर देता है यह माया का सागर बड़ा अंधा एवं विषम है इसे पार करने हेतु पूर्ण गुरु ने मार्ग प्रत्यक्ष तौर पर दिखा दिया है मेरे पास ना कोई जाप है ना कोई तपस्या और ना ही कोई उक्ति है हे गुरु नानक तेरी ही शरण में आया है आसा महला पांच ती पदे हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन महलह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मह व्यापे चिंद हर रस पीवे अलमस्त मतवारा आन रसा सब ओछे रे रहाऊं हर रस की कीमत कही न जाई हर रस साधु हाट समाई लाख करोरी मिले न कहे जिस है प्राप्त तिस ही देह नानक चाख भय विस्माद नानक गुर ते आया साद इत उत कत छोड़ न जाई नानक गिद्धा हर रस मह हरी रस पीने से इंसान सदैव ही रंगा रहता है दूसरे तमाम स्वाद एक क्षण में मिट जाते हैं हरी रस से मतवाला होकर वह अंतर मन से सदैव प्रसन्न रहता है लेकिन लौकिक पदार्थों के आस्वादन में पड़ने से चिंता बनी रहती है जो हरी रस पीता है वह अलमस्त एवं मतवाला हो जाता है हे इंसान संसार के दूसरे सभी रस तुच्छ हैं रहाऊ हरी रस का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता हरी रस साधु संतों की दुकान सत्संग में लीन रहता है लाखों करोड़ खर्च करने पर भी यह किसी को प्राप्त नहीं हो सकता जिस मनुष्य के भाग्य में इसे प्राप्त करना लिखा होता है परमात्मा उसे ही देता है नानक इस हरी रस को चख कर चकित हो गया है हे नानक गुरु के माध्यम से इसका स्वाद प्राप्त हुआ है इधर उधर लोक परलोक में इसे त्याग कर वह अन्य कहीं नहीं जाता नानक तो हरी रस पीने में ही मस्त रहता है आसा महला पांच काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छूट के दुर्मत अपनी धारी होय निमाणी सेव कमावह ता प्रीतम होवह मन प्यारी सुन सुंदर साधु वचन उधारी दुख भूख मिठे तेरो सहसा सुख पावह तू सुख मन नारी रहाऊ चरण पखार करौ गुर सेवा आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी दासन की होई दास दासरी ता पावह शोभा हर द्वारी इही आचार इही व्यवहार अज्ञा मान भक्त होए तुम्हारी जो इह मंत्र कमावे नानक सो भव जल पार उतारी।